अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शानी भट्टी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपस की बात शानी भट्टी के साथ सिर्फ ग्रेट न्यूज़ पर। आज के हमारे बहुत प्यारे मेहमान हैं राणा सगीर अहमद गुड्डू साहब, हल्का N164 के उम्मीदवार हैं। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपने ग्रेट न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे आप हमें ये बता दें कि आपने आपको मुस्लिम लीग काफ की टिकट की पेशकश हुई थी या आपने पार्टी के मशावरत की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जी सारिया जमातों को मद्देनज़र रखद्या होया सारे की कारकरदगी देखद हो काफ लीग शमूलीत काफ लीग ने जॉइन किया। इन्हें दौर के बड़े अच्छे काम किए हुए हैं। 1122 कुडियालो जी सारे जिन्ना भी साड़िया कच्चिया आबादियां सी ना ये बहुत अच्छे इन्होंने काम किए। बिजली इन्होंने घर घर पहुँचाई, सोलंग इन्होंने घर घर पहुँचाया, तलीम के शोभे इन्होंने अच्छे काम किए, 600 रुपया वजीफा किया। सर मुस्लिम लीग काफ नू ही क्यों ज्वाइन किया, बाकी पार्टियां भी इस टाइम पाकिस्तान चल रही ने, इन्दे च की खसूसियत सी? काफ लीग के काम हुण पीटीआई का दौर जांदा पिया वा, इहदे काम देख लो तो 5 साल ही काफ लीग नू मिले सी। उहनां च जिन्ने अदारे बने गुंगे बहरियां दे स्कूल बहुत बेतहाशा काम किए, इहदा मतलब करप्शन ते उन्होंने काबू पाया सी। किसी भी जमात कोई भी जमात करप्शन ते काबू नहीं पा सकी। सर इस वक्त हल्का N164 च नैशनल असैम्बली के उम्मीदवार चौधरी तहर इकबाल भी है, मोहतरमा तमीना भी है और उस आफताब खान खिची साहब भी ने, थोड़े तो अंदाजे मुताबिक लग नहीं रहा कि मुकाबला काफ़ी टफ होगा और तुसी भी माशाल्लाह मैदान के हिस्सा बन गए हो? देखो ये जिंदगी का हिस्सा होंगे जे, जिन्हें भी उम्मीदवार हैं तो इलेक्शन लड़ने का ही मज़ा उदों आता जो सारे उम्मीदवार बराबर के हो। अल्लाह ने सानू इज्जत दी तो इंशाल्लाह ताला इन्हों असी पलटा देंगे, बाजी पलटा देंगे अल्लाह के हुक्म। देख लो क्योंकि मोहतरमा भी काफ़ी पुरानी खिलाड़ी है, उस बाद चौरी साहब भी काफ़ी अरसे दे आ रहे हैं इकदार दे विच, और तुसी अपनी सियासत नू इस मद्देनज़र रखते हो कि फैसला किया कि मैं भी इन्हों मुकाबले आ जा? सर विहाड़ी चुकी इन्ह के दौर के काम देख लो, कोई काम नहीं हो। मोहतरमा के काम जरूर होए ने उस दौर च होए ने जो आजाद वाला जिंदा से, उन्होंने सियासत अबूर हासिल किया। ताहर तो होम्योपैथिक इन्हें बेचारे ने की काम करने, लेकिन वो हर दफ़ा इलेक्शन से जित जाते ना, बस उन्हों हर दफ़ा ही चांस मिलता नवा हलका लग जाता उन्होंने इस वजह तो जित जाता। हूँ अगे इन्हें 4 इलेक्शन लड़े आ, 4 ही औरतों के मुकाबले च लड़े। अच्छा, पहला 2 नफीसा के मुकाबले च लड़े, 2 तहमीना के मुकाबले च लड़े। और आजाद जो घर बैठी होंगी है ना जी, उन्हों वर्क करने का नहीं पता होंगे, उन्हें तो इलेक्शन चलो उन्होंने नुमाइंद ने करिंद ने करना होंगे। हूँ तो यह एक अच्छे जवान अच्छी शोहरत वाले बंदे मुकाबला हो गया, ये हूँ पता चलेगा। इहदा मतलब कि पहलू उन्होंने औरतों ना मुकाबला सी, हुण किसे मर्द ना जो कह लो जी मर्द ना टक्कर पई है। हाँ जी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इहदा रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। सही। अच्छा दसो कि तुसी अपनी बरादरी ना मशावरत कीती सी या किसी दे, हुण फर्ज करो कह दिंदा कि चलो यार राणा साहब सारे राणे इस दफा इलेक्शन च हिस्सा लै रहे हैं, चलो तुसी इस दफा रहण दिंदे आ ते तुसी अपना अपना फैसला बदल सकदे हो? नहीं, बरादरी इंशाल्लाह ताला मेरे नाल होएगी। सारे चाचा बिल्लू हो गया, नदीम हो गया, नदीम भी भाई है, चाचा बिल्लू साडा चाचा वा, साडी बरादरी दा मान आ। असी इंशाल्लाह ताला मशावरत ना बिल्कुल मैनू उम्मीदवार MNA दा बनाणगे अल्लाह दे हुक्म नाल ते मैं इलेक्शन लड़ांगा अल्लाह पाक दी रहमत। राणा साहब अगर किसी दी फेवर च किसी दे हक च बैठना पै जांदा, फर्ज करो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो किंदे वास्ते तुसी पसंद करोगे? मैं राजपूत हाँ, तो राजपूत का सेवा कभी जिंदगी बैठ नहीं सकता, गर्दन तो साड़ी लै सकती क्योंकि असी सियासत को अबादा समझ के करते हैं। असी इंशाल्लाह ताला ये करप्शन का खात्मा करके रहेंगे अपने हलके चो, तो अल्लाह पाक की रहमत ना आवाम को पता लगेगा भाई वाकई MNA कोई आया, कभी जुलम नहीं हो देंगे इंशाल्लाह ताला। राणा साहब ये गल्लां सारे इलेक्शन तो पहलू भी कर जाते हैं, तो प्लीज़ जरा साड़ी गरीब आवाम का जरा कुछ सोच लिया जाए, अगर तुम इकदार आ गए तो ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला दे रहमत ना अल्लाह ताला दे करमा फजल ना इंशाल्लाह ताला असी बिल्कुल आवांगे इकतदार च, ते थोनों आप ही पता चल जाएंगे। मुँह बंदा मियाँ मिठा तो नहीं मानता ना। सर दसो कि तुहाडे नाल MPA दी कौन जरा अहम शख्सियतां कहड़ियां आ रही ना, वो जरा साडे नाज़रीन दस दिओ क्योंकि बड़ा बेचैनी नाल इलाके नूं इंतजार है, क्योंकि अजे तक तुहाडे वल्लों कोई ऐसा कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखी भी कौन आ रहा। इंशाल्लाह ताला मेरे तरह ही अच्छे इंसान आएंगे। चलो सर थोड़ा ज्यादा हिंट दे दियो। नहीं हजे कोई फैसला नहीं इस चीज़ किसी पासे दा भी? नहीं नहीं हजे कोई फैसला नहीं, सारे ना तलका तो अच्छे ने, सारे ना मिलते जुलते हैं, देखो जो फैसला होया उहदे मुताबिक वर्करां दे मुताबिक। नहीं तो लेकिन चलो वो तो ठीक है, इलेक्शन के दिन थोड़े ने, चलो इस वास्ते जरा हुण वक्त करीब आ रहा है, किसी पासे कोई थोड़ा हिंट दियो ना। नहीं हजे ये तो कोई नहीं तबसरा, क्योंकि हजे सारे बंदे मेहनत करते पे, ये वक्त
नज़ाकत होंगी इंशाल्लाह ताला थानू साढ़े वर्गा ही बंदा हीरा मिलेगा, अच्छा ही बंदा मिलेगा इंशाल्लाह। सारे दस दो कि पीपी 233 च निज़ामद्दीन जट साहब ने, राणा नदीम साहब ने, जोर खल साहब ने, इन्हें मजबूत उम्मीदवार थोड़ी नज़र से कड़ा लग रहा? सर देखो हजे कुछ नहीं इन्होंने बारे कह सकते, नदीम साढ़ा भाई ने ठीक है ना, निज़ामद्दीन भी साढ़ा भाई है, लेकिन दिली ख्वाहिश फिर जारी बात है तुम राणा बरादरी वाले नज़र आ रही होगी? नहीं इंशाल्लाह ताला असी बरादरी अच्छा फैसला करेंगे सारे जुड़ के ना जी, जी। जो फैसला होया इंशाल्लाह ताला वही होएगा। अच्छा राणा साहब दसो कि राणा बरादरी नूं सियासत च आने का बड़ा शौक रहिंदा है, इहदी की वजह है? राणा बरादरी च बड़ा लोगों शौरा पे असी खिदमत खलक करिए, राणा बरादरी च देखो अज तक कोई साडा कैंडीडेट जितया नहीं सी, साडा इलाके का बंदा मौलवी सलामुद्दीन 1964 से बनया सी, फिर जट्टा ने हुक्मरानी की, फिर राई फैमिली ने हुक्मरानी की, इंशाल्लाह ताला राजपूतों का भी टाइम आएगा, ऐसा मुश्किल नहीं है काम कोई राणा साहब, थोड़ा जो मुश्किल ना हो जाएगा, राणा शबीर साहब भी हैं उम्मीदवार, राणा नदीम साहब भी हैं, थोड़ी अपनी बरादरी राणा बरादरी च लोकल बरादरी तो चलो ठीक है फैसला होएगा जो होएगा, लेकिन थोड़ा अपनी बरादरी के नहीं मसला पेश आएगा, वो बेचारे किड़े पास राणे जाने के अद्धे अद्धे अद्धर इधर की हिसाब बनेगा? नहीं नहीं चाचा भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही फैसला करेगा, चाचा मतलब चाचा बिल्लू। अच्छा, मेरा चाचा जी, जी। ते भाई नदीम भी अच्छा फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला, असी मुशावरत ने फैसला करेंगे करांगे, कोई ऐसी गल नहीं हैगी। सही सही सारे दस दो कि अपना अपने जीत के इलाके के मरूमियाँ तुम अगर अल्लाह ताला करे तो हो जाता है, तो अपने इलाके की कि पता अपने विहाड़ी की कि ऐसी खामी जो तुम कहते थोड़ी ख्वाहिश होगी कि मैं इकदार चाह के पहलू इनू खत्म करा? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ BZU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਨਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਸੀਆਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਬੇਸ਼ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਮ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜੇ ਵੋ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜੀ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਬਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ? ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਾਹਦ ਹੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਤਿਆਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਡੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।